आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मांगो पुलिस ने 9 जून को हुई चोरी की घटना में चोरी के सामान के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार। NEET UG की परीक्षा के पेपर लीक के मामले को लेकर छात्रों में आक्रोश। पूर्वी सिंहभूम जिला युवा कांग्रेस कमेटी ने उपायुक्त कार्यालय के समक्ष किया प्रदर्शन। चांडिल के एक पेट्रोल पंप पर बाइक सवार बदमाशों ने सेल्समैन पर पिस्तौल तानकर लूटे 12,000 रुपए। मांगो पुलिस ने 9 जून को हुई चोरी की घटना में एक आरोपी को आभूषण और नकदी के साथ गिरफ्तार किया है। इसका खुलासा DSP हेडक्वार्टर 1 की ओर से पत्रकार सम्मेलन में किया गया। DSP ने बताया कि घटना के संबंध में आजाद नगर रोड नंबर 14 के रहने वाली नाजमुन निशा की ओर से अज्ञात चोरों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराया गया था। घटना की जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी की जानकारी ली, इसके बाद उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर छापेमारी कर आरोपी के पास से जेवर, नकदी और मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया। गिरफ्तार आरोपी का नाम शेख मोहम्मद अनवर उर्फ अनवर हुसैन है। वह सरायकेला खारसावा जिले के कपाली देवडूबी इलाके का रहने वाला है। मामले का उद्भेदन करने के लिए छापेमारी टीम बनाई गई थी। इसमें इंस्पेक्टर सह मानगो थाना प्रभारी निरंजन कुमार, SI विवेक कुमार पंडित, महेंद्र कुमार, ASI 4 मिसियोस कजूर, आरक्षी वशीम खान और वीरेंद्र नाथ महतो शामिल थे। देखिए, दिनांक 8 और 9 तारीख की मध्य रात्रि में मानगो 14 नंबर में एक चोरी की घटना, गृह वेदन की घटना घटित हुई थी। इस संबंध में मानगो थाना कांड संख्या 164/2024 दर्ज किया गया था। केस दर्ज होने के पश्चात मानगो थाने की पुलिस सक्रिय हुई और 24 घंटा के अंदर चोर को पकड़ के उसके पास से जो चोरी हुई जो संपत्ति है उसको बरामद कर लिया गया और उसको गिरफ्तार किया गया है। आज उसको न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। जो चोर है, जो इस केस का एक्यूज है, उसका नाम है मोहम्मद शेख अनवर। ये रहने वाला है कपाली का, डेमडूबी कपाली का रहने वाला है। जो सामान बरामद हुआ है उसमें मोबाइल फोन है, कैश है, पायल है और भी लेडीज पर्स और मोबाइल फोन आदि सामान उसमें बरामद हुआ है। मतलब चोरी गई सारी से प्रॉपर्टी, सारे आर्टिकल्स बरामद कर लिए गए हैं और इनको अभियुक्त को जेल भेजा जा रहा है। 5 मई को NEET UG की परीक्षा का आयोजन पूरे देश भर में करवाया गया था। इसमें पेपर लीक का मामला सामने आया है। इसके विरोध में आज आक्रोशित छात्रों द्वारा प्रदर्शन किया गया। बीते 5 मई को हुए NEET UG के परीक्षा की रिजल्ट की तारीख 14 जून को तय की गई थी, लेकिन पेपर लीक के मामले की लीपापोती करने के मकसद से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा लोकसभा चुनाव की मतगणना के दौरान 4 जून को ही NEET UG 2024 के परिणाम की घोषणा कर दी गई। इस मामले में NTA द्वारा किसी भी प्रकार की ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसके कारण कई राज्यों से छात्रों के द्वारा आत्महत्या की खबरें भी आ रही हैं, जिससे देश भर के छात्रों में आक्रोश का माहौल बना हुआ है एवं उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से अपना विरोध प्रकट किया। इस मामले का समाधान करते हुए परीक्षा को दोबारा करवाने हेतु पूर्वी सिंहभूम जिला युवा कांग्रेस कमेटी द्वारा आज जमशेदपुर उपायुक्त कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया जा रहा है। 5 मई को जो नेट का एग्ज़ाम हुआ था, उस नेट के एग्ज़ाम में जो गड़बड़ी पाया गया है उसके विरोध में, उसके खिलाफ में आज हम लोग पूर्वी सिंहभूम युवा कांग्रेस कमेटी के द्वारा आज हम लोग जमशेदपुर उपायुक्त कार्यालय में प्रदर्शन कर रहे हैं और यही मांग कर रहे हैं कि इसका परीक्षा को दोबारा कराया जाए और इसमें जो भी पदाधिकारी मिलीभगत है, किस कारण से गड़बड़ी हुआ है, जो डॉक्टरों का जो भविष्य अंधकार में है, इन सब विषयों पर आज हम लोग उपायुक्त से मिलेंगे, मिलके महामहिम और भारत सरकार को हम लोग ज्ञापन देंगे। सरायकेला जिला के चांडिल थाना क्षेत्र में करनीडी स्थित HLM पेट्रोल पंप पर बाइक सवार 4 बदमाशों ने सेल्समैन पर पिस्तौल तानकर 12,000 रुपए लूट लिए। विरोध करने पर बदमाशों ने सेल्समैन को जान से मारने की धमकी दी। बताया जाता है कि बीती रात करीब 10 बजे HLM पेट्रोल पंप पर नाइट सेल्समैन तेल दे रहे थे। इस दौरान बाइक सवार 4 युवक वहां पर आए। एक युवक ने मुंह पर गमछा लगा रखा था। 2 बदमाशों ने धक्का मारकर उन पर पिस्तौल तान दिया। आरोपियों ने धमकी दी कि जितने भी रुपए हैं चुपचाप निकाल कर दे दो, नहीं तो गोली मार देंगे। इसके बाद आरोपियों ने सेल्समैन शंभुनाथ महतो और सागर सिंह सरदार से 12,000 रुपए
लूट लिए। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से फरार हो गए। गौरतलब है कि चांडिल थाना क्षेत्र के पेट्रोल पंप पर इससे पहले भी लूट की वारदात हो चुकी है। 12 बजे करीबन 2 बाइक से 4 युवक मेरा पंप में आया, लड़का को सामान दिखा के सटा के, और 2 बाइक बाहर में था, 2 बाइक से 4 युवक आया, सामान सटाया, पैसा उससे छीन के 12,700 रुपया पॉकेट से उससे छीन के उन लोग भाग गया। फिर हम लोग पीछा किए, उन लोग को रास्ता में उससे नहीं भेटाए। हाँ, हथियार उन लोग का एक हथियार था, हमारा जो नोजल मैन है उसको हथियार सटाया पहले, उसका बाद चढ़ थप्पड़ भी किया उससे, उसका बाद उन लोग पॉकेट से जो पैसा था 12,700 रुपया वो लेके भागने में सफल हुआ। हाँ, पहले भी और एक दो बार हुआ है, गाड़ी में तेल भरा के भागने का कोशिश किया है, एक दो बार पकड़ा भी किया है, और इस बार भी ऐसे ही 11:30 बजे युवक लोग 2 बाइक से आके, 4 युवक था उसमें, 4 युवक आके लड़का मेरा नोजल में जो था तेल देने के लिए उसको पहले अपना गिरफ्त में लिया और सामान सटा के उन लोग उसका पॉकेट से पैसा 12,700 रुपया लेके भागने में सफल हुआ। बराबर कर होते जा रहा है, ये सब बराबर काम करते जा रहे हैं, लेकिन पुलिस को इसका थोड़ा रात को पेट्रोलिंग करना चाहिए और थोड़ा ध्यान देना चाहिए पुलिस को। मोदी सरकार के नए मंत्रिमंडल में लोजपा के चिराग पासवान को कैबिनेट मंत्री बनाए जाने पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश सचिव मनोज पासवान ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर आदित्यपुर शेर पंजाब चौक पर लड्डू का वितरण किया। लोकसभा चुनाव में बिहार में सभी 5 सीटों पर जीत दर्ज कराने के बाद लोजपा कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते बन रहा है। इधर मोदी सरकार केंद्रीय मंत्रिमंडल में चिराग पासवान को कैबिनेट मंत्री बनाए जाने पर लोजपा कार्यकर्ता उत्साहित है। प्रदेश सचिव मनोज पासवान ने बताया कि जल्दी वे प्रतिनिधि मंडल के साथ केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से मिलकर उन्हें बधाई देंगे। मनोज पासवान ने बताया कि उनके दादा स्वर्गीय राम विनय पासवान स्वर्गीय रामविलास पासवान द्वारा गठित दलित सेवा के संस्थापक सदस्य व केंद्र महासचिव थे। स्वर्गीय रामविलास पासवान का 3 बार आदित्यपुर आगमन हुआ था। इस मौके पर प्रदेश सचिव सुमन कुमार शर्मा, जिला उपाध्यक्ष अनिल कुमार पासवान, खेल एवं सांस्कृति मंच अध्यक्ष आलोक मिश्रा, नगर उपाध्यक्ष राणा राउत, महिला मोर्चा अध्यक्ष रीता देवी, रिंकी देवी समेत अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। धरती आबा बिरसा मुंडा के शहादत दिवस पर बिरसा नगर जोन में बिरसा सेवा दल पंचायत समिति द्वारा बिरसा पहाड़ी में भगवान बिरसा मुंडा को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सवेरे सवेरे जमशेदपुर पूर्व के विधायक सजीव राय ने श्रद्धांजलि अर्पित की, जिला पार्षद कविता परमार ने श्रद्धांजलि अर्पित की और बिरसा सेवा दल के पदाधिकारियों ने अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि देने के लिए विभिन्न दलों के नेताओं का तांता बिरसा पहाड़ी में लगा हुआ था। इस अवसर पर विधायक सजीव राय ने कहा कि बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों की गुलामी से आजादी दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी थी। बीच में शिक्षा के लिए उन्होंने क्रिश्चियन धर्म अपनाया, बाद में उन्हें महसूस हुआ तो वह फिर अपने धर्म में लौट आए। उन्हें लोग भगवान इसलिए कहते थे कि बिरसा मुंडा जिसको आशीर्वाद देते थे उनका कार्य सफल हो जाता था। वहीं कविता परमार ने भी बिरसा मुंडा के त्याग बलिदान की बात बताई, जबकि बिरसा मुंडा सेवा दल समिति के पदाधिकारी ने बताया कि पिछले कई वर्षों से यह कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। बिरसा मुंडा की जयंती, उनके शहादत और राष्ट्र त्यौहार के दिन यहाँ पर समिति द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। सभी लोग संडे मार्केट तेल को भगवान बिरसा मुंडा के प्रतिमा में अभी सभी लोग नमन करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम और हमारे पूरे साथी यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं आज पूरे देशवासियों को भगवान बिरसा मुंडा के शुभ जयंती समारोह में, श्रद्धांजलि समारोह में सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आपने आज के दिन महान पुरुषों को आपने याद करने का एक याद किया। और भगवान बिरसा मुंडा अपितु सिर्फ झारखंड ही नहीं पूरे देश के स्वतंत्रता सेनानी थे, बहुत ही निर्भीक, बहुत ही निडर। उस समय के काल में अंग्रेज शासक उनसे थर थर कांपते थे, वो बहुत ही निर्भीक बोलते भी थे और निर्भीक कार्य भी करते थे, इसीलिए वो भगवान बिरसा मुंडा के नाम से आज पूरे धरती में माना जाते हैं। खासकर अपने जमशेदपुर झारखंड में जंगल, जमीन और नदी के बारे में उनकी बहुत चिंता होती थी, उनका चिंता रहता कि हरियाली पूरे देश में रहे और कहीं न कहीं
आज जो वन संरक्षण की जो बात हम लोग करते हैं भगवान बिरसा मुंडा की देन है। सरायकेला खरसावां जिले के कपाली ओपी अंतर्गत पॉलिथीन मैदान के समीप रविवार को एक जोरदार सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार के कारण हुए हादसे में एक की मौत हो गई और दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार एक मोटरसाइकिल पर तीन युवक सवार होकर अत्यधिक तेज रफ्तार में जा रहे थे, तभी पॉलिथीन मैदान के निकट मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर एक घर से जा टकराई। बताया जा रहा है कि गति अत्यधिक तेज होने के कारण यह घटना घटी है। उक्त घटना में मोटरसाइकिल सवार तीनों युवक बुरी तरह से जख्मी हो गए। सूचना मिलते ही कपाली ओपी पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों को पुलिस जीप से ही आनंद फानन में ब्रह्मानंद अस्पताल लेकर पहुंची, जहां इलाज के क्रम में एक की मौत हो गई, वहीं अन्य दो की हालत नाजुक बताई जा रही है। दुर्घटनाग्रस्त मोटरसाइकिल का नंबर JS05DH1528 है। कपाली ओपी के ASI मोहम्मद बशीर खान ने बताया कि यह घटना तेज रफ्तार की वजह से हुई है, मामले की जांच की जा रही है। सूचना मिला कि एक एक्सीडेंट हो गया है मोटरसाइकिल से, जो तीन वो सवार थे वो गाड़ी वहां से लिया, उड़ा कर दीवार में मार गया, वही तीनों गिर गया, उसको उठाकर हॉस्पिटल में विदा कर दिया। लोकल लोग हैं, अभी उन लोग का कोई स्पष्ट पता नहीं मिला है, मगर लोकल लोग है। अभी डॉक्टर के पास गया हुआ है, अब डॉक्टर ने दवा भी चला रहा, अब देखिए आगे चल के क्या होता है। अखिल भारतीय गोंड आदिवासी संघ की ओर से एक महत्वपूर्ण बैठक दिनेश शाह की अध्यक्षता में बर्मा माइंस गुरुद्वारा मैदान में रखी गई। इस बैठक में गोंड समाज के भवन निर्माण के बारे में चर्चा हुई और साथ ही साथ में गोंड समाज की वीरांगना रानी दुर्गावती जी की शहादत दिवस जो कि 24 जून होता है, उसे कब और कैसे मनाएं, इस विषय पर भी चर्चा हुई। जिला उपायुक्त कार्यालय और जिला योजना समिति द्वारा बर्मा माइंस स्थित लाल बाबा फाउंड्री में ट्रैफिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के सामने मुख्य सड़क के किनारे खाली भूखंड में गोंड समाज का भवन निर्माण किया जाएगा। जून माह में जो फंड आएगा उसमें कार्य शुरू होगा, ये बातें विधायक श्री सरयू राय जी ने कही। अखिल भारतीय गोंड आदिवासी संघ के द्वारा एक महत्वपूर्ण बैठक हम लोग बर्मा माइंस गुरुद्वारा ग्राउंड में रखे हैं और इस बैठक में बहुत सारी सामाजिक बातें हुई है और बहुत सारे चर्चाएं हुई है। जो मुख्य चर्चा हमारा जो आने वाला जो 24 जून को महारानी दुर्गावती जी का जो शहादत दिवस है, जो हर साल मनाते हैं, उसके विषय में चर्चा हुआ है। और इस चर्चा में संडे को देखते हुए, रविवार को देखते हुए, हम लोग जो कार्यक्रम को 30 तारीख को कर दिए हैं, क्योंकि 24 जून जो है सोमवार पड़ रहा है, तो इसमें हमारे बच्चों को आने में दिक्कत हो जाएगी और जो भी काम करते इधर उधर ऑफिशियल करते हैं तो उन लोगों को संडे का छुट्टी रहता है, जिसके चलते हम लोग इसको 30 तारीख कर दिए हैं। कार्यक्रम होगा, इसमें सबसे पहले तो जो सांस्कृतिक कार्यक्रम कुछ बच्चों द्वारा होगा और कुछ हम लोग सामाजिक अच्छे लेवल के लोग को बुलाएंगे, अच्छे पदाधिकारियों को बुलाएंगे, कुछ टाटा स्टील से भी कुछ पदाधिकारी को बुलाने का प्रोग्राम बन रहा है, हम लोग का कार्यक्रम बन रहा है। और जो भी कार्यक्रम होगा इसके अलावा एक आई चेकअप का भी हम लोग इस बार कार्यक्रम को। महाराणा प्रताप की जयंती भारतीय जैन महासभा ने रविवार को जमशेदपुर के मरीन ड्राइव स्थित महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण व पुष्पांजलि कर मनाई। संस्था के अध्यक्ष धर्मचंद्र पोद्दार ने बताया कि महाराणा प्रताप की जयंती उनके वंशज पिछले 400 वर्षों से आज भी हिंदी तिथि के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को ही मनाते हैं। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप जी कभी भी जंगलों में नहीं रहे, 630 वर्ग मील भूमि सदैव उनके कब्जे में रही, घास की रोटी ना तो बनती है और ना उन्होंने कभी खाई, वे अपने कबीलों के लोगों के बीच रहकर फिकार नामक एक अनाज की रोटी अवश्य खाते थे। फिकार की खेती कुछ वर्षों से उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के कुछ गाँवों में प्रारंभ हो गई है। जयंती मनाने वालों में श्री पोद्दार के अलावा इंद्रदेव प्रसाद, प्रकाश मेहता, डॉक्टर राधेश्याम अग्रवाल, प्रमोद खीरवाल, मधु सिन्हा, कल्याणी पाठक, अचल पोद्दार, नव्य पोद्दार आदि के नाम से सम्मिलित हैं। देश विदेश के 14 शहरों के विभिन्न स्थानों पर कुल 58 लोगों ने महाराणा प्रताप जी की जयंती मनाई है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SACN News की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।